हिंदी पाठ्यपुस्तक पसंद, पाठ एक ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता। कवि परिचय। निराला जी का जन्म 1892 ईस्वी में बंगाल के मेषदल राय में मोदिनापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव के निवासी थे और आजीविका के लिए मेषदल चले गए थे। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अध्ययन घर पर ही किया। निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: परिमल, अनामिका, गीतिका, निरुपमा, चोटी की पकड़, सखी, प्रबंध की प्रतिमा, पथन और पल्लव आदि प्रमुख रचनाएं हैं। निराला जी ने काव्य शैली को एक नई दिशा दी तथा पुरानी परंपराओं का त्याग किया। निराला जी के काव्य में संगीतात्मक है। यद्यपि निराला जी की साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है। कविता का सार। ध्वनि शीर्षक कविता निराला जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्राकृतिक में वसंत के आते ही परिवर्तन आ जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप कवि भी जीवन में नवीन कार्य की ओर अग्रसर होना चाहता है। जीवन में आने वाली निराशाओं, बाधाओं और आलस्य को दूर भगाना चाहता है। वे अपने अंत से पहले अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशवी बनाकर वसंत की सुषमा के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है। कविता का सलात इस प्रकार है: अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल घाट, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। मेरा अंत का अर्थ है जीवन समाप्ति, मृदुल का अर्थ है कोमल। वसंत छह ऋतुओं में से एक ऋतु का नाम है। घात का अर्थ शरीर है। प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल, मनोहर का अर्थ है सुंदर। प्रसंग इस प्रकार है: ये पद्यांश श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि यह बतलाना चाहता है कि वे कलियों में फूलों के खिलाने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहता है। सलाह देखिए: अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का मानना है कि अब उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल घाट, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। जिस प्रकार प्राकृतिक में वसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती है और उन पर कलियां खिल जाती है, चारों ओर प्राकृतिक में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही मैं अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसके साथ ही वे अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का सुंदर संदेश देना चाहता हूँ, अर्थात वे अपने आदर्श के अनुरूप आचरण करके सामाजिक जीवन के आलस्य, निराशा एवं बाधाओं को दूर करके सुख में आशाओं का वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वह जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग इस प्रकार है इसमें, पहले अर्थ देखिए: तंद्रालंस नींद से बोझिल, लालसा का अर्थ है इच्छा, नव का अर्थ है नया, द्वार का अर्थ है दरवाजा, पुष्प का अर्थ है फूल। प्रसंग देखिए: ये पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है।
कभी अपने हाथों का स्पर्श देकर फूलों में समाये आलस्य, निंद्रा वे उदासी समाप्त कर उन्हें खिला देखना चाहता है। कभी अपने जीवन में अपनी आस्था और दृढ़ विश्वास के बल पर नई शक्ति के साथ नए रास्तों पर बढ़ाना चाहता है। व्याख्या इस प्रकार है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। यहाँ कवि किशोर रूपी फूलों की उनंदी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहता है। वे अपने नव उत्साह से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। कवि प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नई कार्यों की ओर आगे बढ़ाकर सफलता प्राप्त कराना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां आनंद अभी न होगा मेरा अंत। उनका मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसे जीवन में अभी बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक किशोर रूपी फूल में उसमें समाये आलस्य को खींचकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहे। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर फैलाना चाहता है। वे अपने अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है, इसलिए वे अपना अंत नहीं चाहता है।